हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान कल्कि का अवतार कहाँ हुआ था, क्यों, कैसे। इसी विषय पे हम आज इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बद्ध बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि को भगवान विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार हैं। भगवान श्री कल्कि की भक्ति इस समय एक ऐसे कवच के समान है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कल्कि की भक्ति व्यक्तिगत न होकर समगष्टित समदृष्टिगत है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कल्कि को भक्ति करता है, वह चाहता है कि भगवान शीघ्र अवतार धारण कर भूमि का भार हटाएं और दुष्टों का संहार करें। कलयुग यानी कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। हिंदू धर्म ग्रंथों के 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में लोगों में छल कपट और दंभ नहीं होता था। त्रेता युग में अंश अधर्म अपना पैर जमा लेता है। द्वापर युग में धर्म आधा हो जाता है। और कलयुग आने पर 3 अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण हो जाता है। इस युग में धर्म का 1/4 अंश ही रह जाता है। सतयुग के बाद जैसे जैसे दूसरा युग की 1/4 का अंश बचा रहता है, सतयुग के बाद जैसे जैसे दूसरा युग आता है, वैसे वैसे मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास होता है। माना जाता है कि जैसा वर्तमान में चल रहा है, कलयुग के अंत में संसार की एक ऐसी दशा होगी, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का ही दूध पिएंगे। गाय को तो दिखना भी बंद हो जाएगा। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे, व्रत नियमों का पालन नहीं करेंगे, उसके विपरीत वेदों की निंदा करेंगे। स्त्रियों कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। अमावस्या के बिना सूर्य ग्रहण लगेगा। अपने देश छोड़कर दूसरे देश में रहना अच्छा माना जाएगा। फिर विचार बढ़ेगा। उस समय मनुष्य की औसत आयु 16 साल होगी। 7-8 वर्ष की आयु में पुरुष व स्त्री समागम करके संतान उत्पन्न करेंगे। उम्मीद है इस छोटी सी कहानी को सुनकर आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को कृपया शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।